नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। आप लोगों को आपके जीवन से जुड़े, धर्म से जुड़ी और विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाएं, ताकि आप एक बेहतर जीवन जो है वो जी सके। हमारा मकसद आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाना है। इसी के तहत आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या जिसे आप कह सकते बनी हुई है, क्योंकि कोरोना काल लगने के बाद से जब देश में लॉकडाउन लगा, तब से सभी लोगों के रोजगार पर इसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला। बहुत लोगों के रोजगार चले गए, बहुत लोगों ने अपने व्यापार में भी नुकसान पाया। कहते हैं कि आज के समय में हमारे देश का जो युवा है, जो नौजवान है, वो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है। उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार ना मिलने की वजह से काफी सारी मानसिक विकृतियां जो है वो भी उसे हो रही है। बहुत ज्यादा परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। हालांकि आज का युग और आजीविका या नौकरी आज के समय में लगना और इसके विषय में उपाय बताना काफी कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो आपको उपाय बता रहे हैं उससे आपको निश्चित तौर पर ही कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव जो है वो आपके जीवन में जरूर आएंगे। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आपकी तबीयत ठीक है? सरकार अब तबीयत अपने ठीक करो आप, है ना। और जहां तक आज आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा दिया है, विपक्ष नौकरी को लेकर ही बहुत हावी है गवर्नमेंट पे। अब आप देखिए, हर आदमी को सरकारी नौकरी तो पहले भी कभी नहीं मिली। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी नौकरी की जो स्थिति है आपको तो पता है कि क्या स्थिति हमारे देश में नौकरी की है। हम लोग बेशक आज इंजीनियर बन जाए, CA बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन हर व्यक्ति एक अच्छी नौकरी या एक अच्छा कार्य करना चाहता है। हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो युवा नौजवान है वो अपना मूल्यांकन जरूर करे कि वो कर क्या सकते हैं। आपने MBA कर लिया और आप मैनेजमेंट के लायक नहीं है, आपकी वाणी के अंदर उतना ओझ नहीं है, तो आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपने इंजीनियरिंग पास कर ली और उसके बाद भी आपके अंदर एक इंजीनियर के जो स्वरूप होता है वो नहीं पनपे हैं, तो आप एक इंजीनियर कैसे बनेंगे? हम लोग आजीविका प्राप्त करने के लिए व्यापार भी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर रह के समाज सेवा NGO के द्वारा काम कर सकते हैं। हम लोग कैंपिंग का व्यवसाय कर सकते हैं। आजकल नए कुछ युग की शुरुआत हुई है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री ने कहा है टॉय, खिलौने जो हम लोग चाइना से मंगाते हैं अपने यहाँ कर सकते हैं, अपने यहाँ बेच सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं वो कुछ नई दवाइयों के ऊपर रिसर्च करके कुछ दे सकते हैं। रही बात रोटी की, देखिए ईश्वर देता है रोटी, आपको रोटी की चिंता करने की जरूरत है। वो भूखा सुलाता जरूर है, लेकिन भूखा उठाता जरूर है, लेकिन पेट भर कर सुलाता है, चाहे आपको दो वक्त की जगह डेढ़ वक्त का भोजन मिले। और पढ़ा लिखा आदमी समझदार होता है और उसको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। उपाय खाली हम बता रहे हैं आपको, उपाय करो आप, आपको लाभ बहुत होगा, लेकिन आपको अपने विचार अपने अंदर से कैसे आप निकालेंगे, अपने को कैसे बिल्ड करेंगे, अपनी बिल्डिंग का निर्माण आप कैसे करेंगे, बिल्डिंग बोलते शरीर को या आपको खुद को, अपना आकलन करना चाहिए। आज के समय में हमारे देश के युवा नौजवान शिक्षित होने के बाद ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या समय पर युवाओं को नौकरी न मिलने के कारण उनके परिवार की आर्थिक हालात भी परेशानी है। कारण क्या है कि हम लोग लोन लेके बच्चों को आजकल पढ़ा रहे हैं। पहले तो माता पिता के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं पहले उनका स्किल चेक करें कि उनकी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्या थीम है, उनकी क्या सोच है, उसके बाद उनको पढ़ाई की ओर भेजें। आजकल तो सेना के दरवाजे खुले हैं, पुलिस के दरवाजे खुले हैं, शिक्षक के दरवाजे खुले हैं, इसके अलावा खान पीन के बहुत सारे आइटम के दरवाजे खुले हुए हैं। आप अपने शहर का मूल्यांकन करें, उसके हिसाब से आगे करें।
समस्या जब नौकरी की गंभीर होने लगी है तो हमने उसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो निकाला है कि आप अपनी कुंडली का मूल्यांकन करें और देखें नौकरी लेट होने का कारण कहीं शनि तो नहीं है, तो आप शनि देव की आराधना करें, उससे आपको नौकरी मिलेगा। होती क्या है कि काले तिल सरसों के तेल में थोड़े डाल दीजिए और बत्ती लगाकर पीपल पे जला के आइए। कभी कभी एक दो पीपल के पेड़, नीम के पेड़, ये आप खुली जगह पर जहां पर व्यवस्था हो सकते है वहां लगा सकते हैं, उससे भी आपकी नौकरी के चांस बढ़िया होते हैं। जैसे ही वो पेड़ जड़ पकड़ लेगा आपके नौकरी, आपको प्रयास करते रहना है, आपकी नौकरी के चांस बन जाएंगे। और इसका जो मंत्र है ओम शय शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र है आप 11 माला करिए वहां खड़े होके और अपनी नौकरी का प्रयास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा 7 तरीके के अनाज मिलाकर घर के दरवाजे के नीचे से ऊपर की ओर 7 उछाल के छत पर डालिए, पक्षियों को खिलाना शुरू करिए, आपके घर के दोष खत्म हो जाएंगे और आपकी नौकरी के चांस बन जाएंगे। अपने घर के अंदर आप नॉर्थ वेस्ट में सोइए पश्चिम की ओर सर करके, तो भी आपके नौकरी के चांस अच्छे होते हैं। और पीपल के पेड़ पर, शमी के पेड़ पर रविवार को छोड़कर रोजाना जल चढ़ाइए, आपकी नौकरी के चांस अच्छे होंगे। कभी कभी हो सकता है आपको लगता हो कि यार ये क्या मैंने काम पकड़ लिया, पढ़ाई के साथ आप कुछ भी छोटा मोटा काम और कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर आप एक चारमुखी दिया बनाकर अपनी घर की चौखट के अंदर जलाइए, रात के वक्त में जब दोनों वक्त मिलते हुए होते हैं लगभग 6-6:30 बजे आजकल, वो भी आपके नौकरी के चांस बनते हैं। या किसी पुरानी कुएं में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालिए और ऐसा काम 15 दिन करिए, लेकिन अपने प्रयास करते रहिए नौकरी के। ऐसा नहीं है कि उपाय करने से अपने आप ही कोई आपकी नौकरी भेज देगा, आप उपाय कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा उसका, साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए। 15 दिन थोड़ा सा दूध किसी भी सूखे कुएं में, आजकल तो हर शहर में कुएं लगभग सूख गए हैं, गाय का थोड़ा सा दूध 10-20-50 ग्राम वो आप डालिए, आपको लाभ मिलेगा। बांसुरी में खांड भर के आप धरती में दबाइए तो भी आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी। एक और टोटका आपको मैं बताता हूं, सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाइए, मैं शिवलिंग पर दूध पानी चढ़ाइए तथा साथ में थोड़े चावल मीठा भी अर्पित करें, उसके बाद उसको जल चढ़ा के सफाई कर दें जी, भोलेनाथ से और अरदास लगाएं, आपके निश्चित तौर से नौकरी बन जाएगी। ये मेरे अनुभव की बात है, प्रत्येक माह के पहले सोमवार को एक सफेद कपड़े में थोड़े काले चावल, काले चावल भी बाजार में आते हैं, भगवान शिव को भेंट करें, इसके प्रयोग से आपकी नौकरी के द्वार खुल जाते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाने से पहले नींबू में 4 लौंग को लगाकर हनुमान जी के मंत्र को बोलते हुए आप अपनी नौकरी के लिए जाइए, वो आपको एक माला करने मात्र से आपका इंटरव्यू बढ़िया हो जाएगा और सफलता आपको मिल जाएगी। मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, एक माला इसकी कीजिए, यानी कि 108 बार इसका नाम लीजिए, आप अपनी उंगली में भी कर सकते हैं, तो आपकी नौकरी के जो इंटरव्यू है उसके अंदर आप निकल जाएंगे। अपने अंदर आप भावना बना के रखिए, अपने आप को मजबूत बना के रखिए। इसके अलावा एक चीज और भी आपको बता रहा हूँ, एक नींबू ले लीजिए, येलो कलर का पीला सा नींबू, अपने ऊपर से उतारिए और उसको 1 के 4 टुकड़े अमरूद की तरह काटिए, यानी कि एक जगह जुड़े भी रहे और 4 टुकड़े भी हो जाए, और उसे किसी भी चौराहे पे डाल दीजिए, जो से वाहन से क्रैश हो जाएगा वो भी आपके नौकरी के चांस बनते हैं। इसके अलावा एक और थोड़ा कठिन काम है, 41 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में घी या मीठे तेल का दिया जलाएं, अपने लिए प्रार्थना करें, लेकिन अपनी शिक्षा में मेहनत करना ना छोड़े, अपनी तैयारी जरूर करें, अपने फार्म जरूर भरे, निश्चित तौर से आप सफल हो जाएंगे। अगर आप 41 दिन तक हनुमान जी के मंदिर के अंदर दिया जलाते हैं मीठे तेल का या वो व्रत का, तो आप ये भी समझ लीजिए कि नौकरी मेरे ना मिले, आपका कोई ना कोई ऐसा व्यापार रोजगार सेटल हो जाएगा जिससे आपका चौमुखी विकास होगा। और आप शिवालय में देखा होगा नंदी महाराज बैठे होते हैं, आप नंदी महाराज पे अपनी मनोरथ कामना के लिए उनके कान के अंदर आप कहिए, हे नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मुझे नौकरी मिले, तो भी आपकी नौकरी लग सकती है। तो सात्विक विचार लेके आपके सामने आते हैं, आपका विश्वास ही आपका फलित होगा,
आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। और नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। इसी के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप भगवान आपको नौकरी दे, भगवान आपके रोजगार में वृद्धि करे, इस शुभकामनाओं के साथ अगला आवाज आओगे सरकार की, वो क्या पूछते हैं आपके लिए, आज का क्या उनका विषय है, मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके साथ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जो जानकारी आपने दर्शकों को आज नौकरी के विषय में दी, क्योंकि लगता है हमें ऐसा ये समय वाक्य में काफी कठिन है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है। जो आपने उपाय बताए हैं, लगता है कहीं ना कहीं इन्हें कर दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन उपायों को आप कीजिए, कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक प्रभाव जो है इसके अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं आपके जीवन में जो है खुशहाली आए और आपको एक बेहतर आपकी नौकरी जो है वो आपकी लग जाए। अब कुछ सवाल हमारे पास यहाँ आ चुके हैं, जिन सवालों के जवाब आचार्य जी हम चाहेंगे। पहला सवाल भेजा हमें सौरभ पांडे जी ने आचार्य जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1997, अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, शाम के 7:30 पर। और समस्या इनकी इन्होंने लिख भेजी हमें कि प्रेम विवाह किया है इन्होंने 7:03 पे, 7:30 आचार्य जी। और समस्या इन्होंने भेजी है, प्रेम विवाह किया है इन्होंने, जिसके बाद घर में अशांति का माहौल बना रहता है, कहीं विवाह इसका कारण तो नहीं है। इनका मेष लगन है, मिथुन राशि है, आंध्र नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और इनकी कुंडली में शुक्र इनका जो है वो सातवें घर में है और शनि इनका 24 डिग्री का है, यानी कि शनि इनका 12वें घर में बैठ के लगन का भी स्वामी है। इन्होंने प्रेम विवाह किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा है आपका इसी महीने में जन्मदिन है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं, लेकिन आपको करना ये चाहिए आप शिवालय में जाइए, पति पत्नी रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को पुनः वरमाला पहनाइए, निश्चित तौर से आपके आपस के संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे और परिवार में भी आपको परेशानी नहीं होगी, आपका जीवन सही हो जाएगा। रही बात ऐसी, आप अपने घर से दूर जाके काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको एक कोरल मूंगा 7 रत्ती का जरूर पहनना चाहिए, इससे आपके रोजगार में वृद्धि होगी, घर में शांति आएगी। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सौरभ जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे और आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमें आया है परोमिता दे जी का, गोवर्धन वेस्ट बंगाल से लिखती है, 10 मार्च 1992 को इनका जन्म हुआ है, गोवर्धन वेस्ट बंगाल में। समय 10 मार्च 1992 सुबह 10 बजे। और करियर को लेकर ये परेशान है, सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में ये हाथ डालती है वहीं इनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जानना चाहती क्या उपाय करें। इनका वृक्षभ लगन है, वृक्षभ राशि है, चंद्रमा लगन में है, इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको कफ की अधिकता रहती है, इनके विचार अपने परिवार में भी कम मिलते हैं, इनके खर्चे ज्यादा होते हैं। जी सूर्य इनका बहुत अच्छा है, 10वें घर का सूर्य है, सम्मान इनको मिलता है, लेकिन शुक्र के साथ में हो जाने से थोड़ा मन की जो इनकी स्थिति है वो इनका मन भटकाव में रहता है। चंद्रमा और गुरु इनके जो है गज के योग बना रहे हैं, सफलता की जहां तक बात है अभी इनकी सफलता प्राप्त होने के अंदर 1.5 साल बाकी है, इनको बैंक वगैरह की ट्राई करनी चाहिए, निश्चित तौर से इनको सरकारी नौकरी मिलने के चांस है, बैंक में ट्राई करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में ये भाग अजमाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। लेकिन एक बात यह है कि ये एक अमेरिकन डायमंड लगभग 10 कैरेट का अपने रिंग फिंगर में पहन लें, इससे इनका लगन भी और राशि भी मजबूत हो जाएगी, इनके जो लाभ है उसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे
और ये पहनना है शुक्रवार को चांदी में सिल्वर में बनवा के। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इसके बेहतरीन लाभ जो है, सकारात्मक प्रभाव जो है इसके देखने को मिलेंगे। अब वक्त हो चुका है इस समय आज का भविष्य फल जानने का, राशि फल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज बता दीजिए कैसा बीतेगा उनका। 13 सितंबर 2021 सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष और साथ में संतान सप्तमी कहलाती है। जिन लोगों को संतान होने में परेशानी है आज के दिन अगर वो उपवास करके भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें तो उन लोगों को निश्चित तौर से संतान की प्राप्ति होती है। आज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेष राशि की। आज का जन्म, आज आपका जन्म के लिए ये जो दिन है आपका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अद्भुत दिन है। गुण और रश्मि विद्या सीखने के लिए विशेष रुचि लेंगे, आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने का योग है, नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय अभी नहीं शुरू हुआ है। प्रवास में कुछ कठिनाइयां आ सकती है, क्रोध और वाणी पर संयम रखें, हित जो शत्रु आपके हैं उनसे अपने आप को बचा के रखें। आज का दिन आपका कुल मिला के रहना तो ठीक है, धन की दृष्टि से सही है और सिद्धियों की दृष्टि से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर बना रहने वाला है। आती है वृषभ राशि, स्वामी इसका शुक्र है, आज आपको दाम्पत्य जीवन में विशेष आनंद आएगा। आप सैकुटुंब किसी सामाजिक स्थान पर घूमने अथवा लघु प्रवास पर जाकर आनंद का समय बिता सकते हैं। स्नेहजन और मित्रों के साथ आपका साथ उत्तम भोजन के लिए रहेगा। विदेश में बसने वाले स्नेहजनों के समाचार मिलेंगे। अचानक धन लाभ बन सकता है, व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि का योग है। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में यश और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। आचरण की पवित्रता से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आती है मिथुन राशि, स्वामी आपका बुध है, शनि की ढुईया चल रही है, थोड़ा धीमा रहता है हर कार्य, फिर भी कार्य सफलता और यश कीर्ति प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। घर में सुख शक्ति का वास, शांति का वातावरण रहेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आर्थिक स्थिति की संभावनाएं अच्छी है, आज खर्चा भी होगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि वे काम को पूरा करने के लिए आपके रास्ते आसान बनेंगे। स्वभाव में क्रोध पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कर्क राशि, स्वामी आपका चंद्रमा है, शांत रहकर गुजारने का समय है, शांत रहिए और आगे बढ़ते रहिए तो लाभ होगा। शारीरिक मानसिक अस्वस्थता आपको बेचैन कर सकती है, अचानक खर्चा बढ़ सकता है। प्रेमी जनों के बीच में वाद विवाद के कारण मन मुटाव होंगे। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपके लिए संकट खड़ा कर सकता है, आसक्ति से बचे। यात्रा प्रवास में नए कार्य की शुरुआत ना करना आपके हक में है। पेट तथा पाचन तंत्र में संबंधित समस्याएं आपको बन सकती हैं। पानी के मामले में ध्यान रखें, डेंगू फैला हुआ है, डेंगू के लिए आप पैरों में मोजे जरूर पहने, सॉक्स पहनने से आपको थोड़ा राहत मिलेगी। सिंह राशि, आज परिवार में मनमुटाव का वातावरण कुछ बन सकता है, कुटुंबजनों के साथ मनमुटाव के अवसर बन रहे हैं। पानी के ऊपर नियंत्रण करने से थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, कोशिश करें मन को शांत रखें। आपको वो दस्तखत करने के लिए पहले कोई भी डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद दस्तखत करना चाहिए। नौकरी पेशा वालों को चिंता छोड़ देनी चाहिए, नौकरी आपको कुछ नहीं होने वाला, नौकरी आपकी सही चलेगी। कन्या राशि, आपका स्वामी है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, साथ ही आप प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे, भाई बहनों के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा, इनके द्वारा लाभ भी आपको मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा की चाल निष्फल रहेगी, अगर आप कहीं पर किसी के साथ कुछ बहस कर रहे हैं उसमें आपको ही लाभ मिलने वाला है, और भाग्यवृद्धि के योग बने हुए हैं। गुण और आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका औसत से अच्छा है। तुला राशि, इसका स्वामी शनि शुक्र है और शनि की ढैया चल रही है, आज के दिन आपकी मानसिक स्थिति दो अर्थ वाली रहने वाली है, हाँ और ना दोनों ही आपके मन में विचार चलेंगे। बेकार का प्रारंभ ना करें और करें तो किसी सामने व्यक्ति से बात करके उसकी सलाह के आधार पर करें, वाणी में संयम रखें। परिवार जनों से वाद विवाद को टालने की कोशिश करें, अपने जिद्दीपन को छोड़ के अपने समस्या का समाधान करने में समय लगाएं, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर है।
अति वृक्षिक राशि मंगल स्वामी है आपका। आप बहुत जुझारू और मेहनती होते हैं, आर्मी और पुलिस के अंदर आप जैसे लोग भी भर्ती होते हैं ज्यादा, पारिवारिक जनों के साथ आज का दिन अमोद प्रमोद में बीतने के चांस है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। प्रिय व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात सफल और आनंदमय रहेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, मित्रों और स्नेहजनों के तरफ से कोई उपहार भी आपको मिल सकता है। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके लिए कोई सुंदर व्यवस्था आपके परिवार की ओर से हो सकती है। सामान्य रूप से पूरा दिन खुशहाली के साथ आपका बीतने वाला है। आती है धनु राशि, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव को टालना जरूरी है। भोजन के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए, पत्तेदार भोजन का त्याग कर दीजिए। ये जो आजकल अमरूद आ रहा है इसको भी आप ना खाएं तो बेहतर है। भोजन में जो गरिष्ठ खाना है वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है। अपने व्यवहार को ठीक रखिए और आज आपको पेट का ध्यान रखना है। आपको अदालती काम के अंदर कुछ लाभ मिल सकता है, मुकदमा अगर आपका चल रहा है तो उसमें लाभ आपके पक्ष में आ सकता है। मकर राशि शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, आपके कुछ लाभदायक दिन आपके लिए आज का होने जा रहा है। जो लोग ठेकेदारी के कार्य के अंदर है उनको भी लाभ होगा, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनको भी लाभ होगा। सामाजिक क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में लाभ के आज बहुत सारे अवसर आपके लिए है। शेयर सट्टा की प्रवृत्ति से धन लाभ होगा, ऐसा आज की आपके कुंडली बोलती है। कुंभ राशि शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी का पहला चरण है, पहली ढैया है। आशीर्वाद के साथ साथ आज आप पर उच्च अधिकारी और बुजुर्ग वर्ग की भी कृपा दृष्टि रहने वाली है। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और अगर हो सके तो कल मंगलवार की सुबह चांदी की बांसुरी, अगर आप समर्थ हैं, या नहीं तो लकड़ी की बांसुरी आप भगवान श्री कृष्ण को भेंट करें। आपके जो रुके हुए काम बहुत दिनों से चले आ रहे हैं वो आपके काम निकल जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और मान सम्मान आपको बढ़ावा महसूस होगा। गृह जीवन में आनंद की अनुभूति आपको महसूस होगी। आती है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज है। गहरे पानी में जाकर जाने से बचे, ऊंची छत पे जाने से बचे, ड्राइव लगाने से बचे, वाहन को देख के चलाए। थोड़ा थकान और बेचैनी का अनुभव आपको हो सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से वाद विवाद होने की इससे नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। मैं तो कहता ये हूँ नाराजगी ना होने दें, अपनी वाणी पर थोड़ा अंकुश लगाए तो आपको लाभ होगा। आपको ऐसा महसूस भी हो सकता है कि मैं घिर गया हूँ, लेकिन समय के साथ साथ जैसे समय बीतेगा आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। पुत्र के साथ बहस से बचो। दोस्तों जैसा मैंने बताया था, आज इस बात को बताए हुए हो गया एक महीना। मैं अभी पिछले दिनों से देख रहा हूं कि डेंगू ने नई शक्ल अख्तियार की है। उसके अंदर कुछ हिस्सा डेंगू का है, कुछ हिस्सा कोरोना का है, कुछ हिस्सा स्वाइन फ्लू का है। कुल मिला के एक अजीब सा वेरिएशन है जिससे बुखार बहुत तेज आता है। कुछ ने हमारा साथ छोड़ दिया है। आपके जो मैं युवाओं को देख रहा हूँ, हार्ट अटैक अचानक आ रहा है और वो काल के ग्रास में जा रही है। दिमाग को थोड़ा दिक्कत आ रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। मैंने ऐसे 100-150 केस पिछले 25 दिन में देखे हैं। दोस्तों बेचैनी का अनुभव होने पर अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें। इस मौसम में आप सॉक्स यानी कि मोजे जरूर पहने और साथ में ठंडा पानी पीने से बचे, फ्रीज का पानी पीने से बचे, दही और आइसक्रीम खाने से बचे, अचार को 15 दिन के लिए छोड़ दें। घर में दाल चावल रोटी खाएं, सब्जी धो के उबाल के खाएं, फालतू में कहीं जाने से बचे, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर इस समय में अदरक और हरी मिर्च का सेवन करना, भोजन के अंदर मीठे नीम का कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं उसका सेवन करना आपको बहुत लाभ देगा। इस समय अगर आप अपने शहर के अंदर 10-5 पीपल के, नीम के, आम के पेड़ लगाएंगे तो आपके पूरे परिवार को रोजी रोटी के अंदर लाभ मिलेगा। ये ऐसा इस समय का आकलन मैं आपको बता रहा हूं। अपने कमरे में कुछ नीम के पत्ते भी आप रख सकते हैं, उससे भी आपके घर के अंदर जो मच्छर होता है वो कम होगा और आपको उससे निजात मिलेगी। हम लोग बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे जो हमारे साथ होता है, जो हम औरों का उपाय करते हैं वो हम आपको बताते हैं, सिर्फ ये सोच के कि हम लोग खर्चा भी ना कराएं और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दें। हम चले अज्ञान से ज्ञान की ओर। आप भी सब खुश रहे, जुड़े रहे, बने रहे।
कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, आप उसके ऊपर जरूर लिखें, उससे हम आपको कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ और बेहतर करेंगे आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उनको देने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जितना